भाई झींगा है, मछली है, ये ऑक्टोपस है, क्या है भाई ये स्क्विड, और ये स्टिंग रे है। सब खा सकते हैं भाई ऊपर से नीचे सब कुछ। ये मैं और दोस्तों ये आ गए हम लिंगराज टेंपल के सामने। शाम हो गई है, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं दोपहर में आया था तो फिर और इसी चक्कर में दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे पहुँचते शाम हो गई है तो आज दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ काफ़ी भीड़ है और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है जैसा कि आप देख सकते हैं। राहुल अपना सामान कुछ ढूंढ रहा है तो अब मुझे पता नहीं है कि अंदर ये कैमरा वगैरह अलाउड होगा कि नहीं, तो अगर होगा तो मैं कैमरा लेके जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं जल्दी से दर्शन करके वापस आता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिंगराज मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, तो लिंगराज मंदिर में दर्शन होते होते हमें अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो वहाँ से हम जल्दी निकल जाते हैं मुक्तेश्वर टेंपल की तरफ। और मुक्तेश्वर टेंपल अभी जाके देखते हैं और वहाँ की आसपास वाली जगहों को घूमते हैं और उसके बाद सीधा हम निकल जाएंगे पूरी अपने होटल की तरफ, और फिर देखते हैं वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत एनर्जी बचेगी तो वहाँ की आसपास वाली जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं मुक्तेश्वर टेंपल और ये अभी 15-20 मिनट में बंद होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो ये हम निकल चुके हैं बीच का सर मरीन ड्राइव पे और हम जा रहे हैं अभी स्वर्ग द्वार बीच मार्केट की तरफ। पूरी बीच के मरीन ड्राइव पे, हाँ पूरी बीच के मरीन ड्राइव पे, और अभी हम जा रहे हैं ड्राइव का नज़ारा दे रहा हूँ ना पारेखा, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। आज 25 दिसंबर है तो मेला लगा हुआ है, तो मेला लगा हुआ है गाइस और काफी चकाचौंध है मार्केट में, तो चकाचौंध की खूबसूरती देखने जा रहे हैं, तो चकाचौंध के लुत्फ लेने जा रहे हैं शेर, और ये शीशे में एक शेर दिख रहा है, ये शेर नहीं है सुअर है। और गाइस कौन दिख रहा है, स्कूटी पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं हम, मैच ये वाली गाली जरूरी भाई, मैं थक चुका हूँ। हमारे पास दो स्कूटी थी बट अभी हम सिर्फ एक स्कूटी पे घूम रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरे से स्कूटी नहीं चलाई जा रही, और राहुल अपने राहुल को आलू के कट्टे को स्कूटी चलाना नहीं आता है यार, ये सब मत बोले। और यहाँ पे गाइस हैं, चलो गाइस और गाइस देखो यहाँ मेला लग रहा है, जाइंट व्हील बैठेंगे भी, मैं नहीं बैठूंगा जाइंट व्हील पे क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, उल्टी आ जाती है गाइस, तो बैठेंगे मैं भी नहीं बैठूंगा। मेला लग रहा है गाइस पूरी बीच और हम जा रहे हैं क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम लेने, आइसक्रीम खाएंगे गाइस। चिल करते हैं गाइस, ये है स्वर्ग द्वार और इसका नाम स्वर्ग द्वार इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार होता है और यहीं से वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं, इसीलिए यहाँ का इस बीच का नाम, इस जगह का नाम स्वर्ग द्वार है और इस बीच का नाम इसीलिए स्वर्ग द्वार बीच पड़ा है। और हम लोग और ज़्यादा ट्रैफिक में आ गए हैं गाइस, हम जा रहे हैं क्वालिटी बॉल्स की तरफ,
ये होटल्स हैं काफ़ी, और हम भीड़ की तरफ जा रहे हैं, भीड़ को चीरते हुए जा रहे हैं, भीड़ को चीरते हुए, जैसे फ्लाइट में अंधेरे को चीरते हुए गए थे, बादल को चीरते हुए गए थे, आ रहे हैं। क्वालिटी बॉल्स हम आ रहे हैं, दिस क्वालिटी बॉल्स आ गए हम, ये रोक रोक यहीं क्वालिटी बॉल्स पर रोक, और आगे ले आओ, और आगे ले भाई, क्वालिटी बॉल। काफ़ी खचाखच बाहर भरी हुई है ये मार्केट। भाई झींगा है, मछली है, ये ऑक्टोपस है, क्या है भाई ये स्क्विड, और ये स्टिंगरे, हाँ वो स्टिंगरे है। पॉम्फ्रेट कौन सी है, ये वाली, ये पॉम्फ्रेट है, इधर खुशबू तो आई थी वैसे उस टाइम, वही थी भाई मछली, और ये क्या है भाई, कुछ खाओगे तो बताओ, करवाते हैं केकड़े वगैरह करवाते हैं, ये सब मैं कौन सा वाला है, एक मिनट, 100 रुपये का करो, कौन सा वाला है, कौन सा है बड़ा वाला, ये लेना है वो लेगा, बता कौन सा लेना है, ये वाला 4 है, वाला 3, ये 100 के 4 है, वो 100 के 3 है, बता भाई कौन सा बढ़िया रहता है भाई, पहली बार खा रहे हैं, ये वाला ये ले लो, दो दो खा लेना है, अरे मस्त लगेगा इसमें, कांटे वाटे कुछ नहीं होते, कुरकुरे लगेंगे, ये स्टिंगरे है ना, इसके क्या ऑर्डर देने पड़ते हैं, हाँ यही तो, इसी के लिए तो बोला था, बोला था ऑर्डर बनेगा, पॉम्फ्रेट पॉम्फ्रेट पता नहीं क्या भाई, ये कैसी दी है ये वाली, 100 रुपये किलो, ये एक एक पीस किलो 900 रुपये, बोला नहीं था मैंने 900 रुपये किलो, दिल्ली में भी यही 800 रुपये, मैंने दिल्ली में खरीदा था 800 रुपये मिला था, 800 रुपये किलो, बनवाएगा क्या नहीं है मेरी भाई, पूरा रिव्यू लूंगा ना तुमसे, इसमें कुछ मसाला वसाला भी डालते हैं, ठीक है ये रहा, टमाटो केचप चाहिए, टमाटो केचप नहीं चाहिए भाई, चटनी पता कैसा है, गरम बहुत है अभी तो, वेट कर लेते हैं, क्रिस्पी है, यही करता है ये, इसके सब्सक्राइबर तेरे 500 प्लस हो गए ना, सब्सक्राइब कर देना इसका चैनल, बहुत गर्म है यार, 45 करो, उसका 5000 रुपये सामान लेना पड़ता है इसका ऊपर से, आगे बता जल्दी कैसा है, झींगा झींगा, एक नंबर, सब खा लेते हैं, सब खा सकते हैं भाई ऊपर से नीचे, सब कुछ सब कुछ, ये मैं झींगा खाया, इतने बड़े नहीं खाए, छोटे खाए, इससे छोटा कौन सा झींगा होता है, छोटे छोटे भी आते हैं, अबे वो जो बहुत छोटा होता है, बहुत वही कह रहा है ना, लेकिन आते हैं ना, इसने इसने वही खाए हैं, दिल्ली में यही मिलेंगे, ज़्यादा वैरायटी थोड़ी ना मिलती हैं, सब मिलता है वहाँ पे, तू भी खा रहा हो जल्दी बता, कांटे मत, कांटे भी है इसमें, कांटे मतलब ये निकला हुआ, ये वाली चीज़ खा, ये वाली चीज़ खा, ये पकड़, ये चीज़ पकड़, और फिर ऊपर की चीज़ खा, चटनी लगा के, ये चीज़ खा, कैसा है, एक नंबर है, एक नंबर, सर में कुछ नहीं, सर को चबाना होता है, चबा के फेंक दो, फेंक दो आपके ऊपर।
तो निकल लो वरना फिर फेंक दो। कैसा लगा राहुल? सही है, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब जा रहे हैं हम क्वालिटी वॉल्स की तरफ और आइसक्रीम लेके आते हैं अपने लिए, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपने होटल, डिनर करेंगे एंड देन वी विल हैव आ आइसक्रीम। चलो लेट्स मूव गाइस। कितने ले लूं भाई? एक काम करो, 6 स्लिप कर दो अलग अलग। तू कितने खाएगा? 2। लेके जाऊंगा। स्कैन कर, एक सेकंड स्कैन कर दे। हो गया भाई, कितना? 660 ना, चलिए तो सही। देखियो नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क ही तो है इशू। कैंसिल कर दे, अभी तो मैंने करा ही नहीं है। तो रहने दे, मैं कर देता हूँ। मेरे में भी हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। हट जा, करियो। कितने करने? 660। क्या हुआ राहुल? कौन सी आइसक्रीम है? हाँ अबे बता देना, खाने में ही व्यस्त है पूरा। इधर देख, कौन सा फ्लेवर है? अभी झींगा खा के आया है, आइसक्रीम खा रहा है। तेरे दोस्तों को बताऊंगा, ये वेजिटेरियन हो गया, फिर से नॉन वेजिटेरियन हो गया। बता जल्दी, कौन सा है ये? कौन सा है यार? तो टेस्ट कैसा कर रहा है? नाइस, शर्मा रहा है बंदा। तो दोस्तों ये है गुलाब जामुन, और आपको दिख भी रहा होगा शायद, ये इसमें गुलाब जामुन है और ये टेस्ट भी बिल्कुल उसी की तरह कर रहा है। दिल्ली में तो हमको ये ढूंढ ढूंढ के मिली नहीं, लेकिन यहाँ मिल गई पूरी में, तो आज इसको ट्राई कर लिया। बिजी है बंदा खाने में। गाइस आइसक्रीम लेने गए थे, ये रही आइसक्रीम। आइसक्रीम के साथ साथ बंदे झींगा भी चाप के आ गए हैं, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा गला ख़राब हो गया। कहाँ गया बाबा? डिनर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे कल सुबह।
चंद्रभागा बीच पे। बाय बाय।